मैसेज आते हैं, ध्यान भटकाते हैं, बड़ा फ्रस्ट्रेशन है, फैमिली दुश्मन है, खेलने देती नहीं। मैं फिर भी खेलूंगा, मैं फिर भी हेलो क्लैशर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम, मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने हाउ टू प्ले क्लैश ऑफ क्लैन के एक न्यू एपिसोड के साथ। सो क्लैशर्स, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। और बेसिकली आज हम लोग टाउन हॉल 3 से टाउन हॉल 4 में जाने वाले हैं। ऑलमोस्ट जितने भी डिफेंसिव और ऑफेंसिव बिल्डिंग थे मैक्स आउट हो चुके हैं वॉल्स और यहाँ पे कलेक्टर को छोड़ के। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम लोग टाउन हॉल 4 में टूर्नामेंट करेंगे गाइस। तो गाइस, टाउन हॉल 4 को सबसे पहले मैक्स आउट करना है और जल्दी से टाउन हॉल 4 में जाके 100% पहले हम लोग मैक्स आउट होंगे, यानी वॉल्स के साथ साथ जो कलेक्टर्स हैं उन सभी चीज को भी अपग्रेड करेंगे और 100% मैक्स आउट होंगे, फिर एक टूर्नामेंट करेंगे टाउन हॉल 4 का। तो गाइस, आप लोग के लिए अब एक क्लैश ऑफ क्लैन का न्यू ईरा आने वाला है टाउन हॉल 4 का, जिसमें हम लोग काफी ज्यादा मजा करने वाले हैं और काफी सारी न्यू चीजें आप लोग को अनलॉक होने वाली है टाउन हॉल 4 में। तो चलिए, किसका इंतजार है, आज के वीडियो में लोग टाउन हॉल 4 करते हैं। एंड उसके पहले क्लैशर्स, यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को अपनी टैग्स प्रोवाइड करूंगा, जिनको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना आप लोग कर सकते हो। सो यहाँ पे आज के इस वीडियो में बस ओनली हम लोग 10 फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा टैग्स है LY02Y2QRR। एंड अगर आप लोग क्लैन में चाहते हो इन करना, तो 50 out of 50 प्लेयर्स तो फुल हो चुके हैं यार। आप लोगों का बहुत ही शानदार सपोर्ट रहा है क्लैशर्स। यहाँ पे पिछली वीडियो की अगर हम लोग बातें करें तो उसमें गाइज आप लोगों ने तुरंत 2 से 3 आवर के अंदर ही क्लैन को फुल कर दिया था, यानी मुझे एकदम बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि हम लोगों का क्लैन, जो लेवल 1 का क्लैन है जो हम लोग अभी तुरंत स्टार्ट किए हैं, आप लोग हम लोग के साथ इतने सारे लोग न्यू जर्नी क्लैश ऑफ क्लैन का स्टार्ट किए हो। वाओ, अमेजिंग यार, आप लोग रियली में स्पेक्टेकुलर सुपर्ब क्लैशर्स हो यार। सो यहाँ पे मैं क्लैशर्स आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग अगर इस क्लैन में ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। क्लैन के रूल्स है गाइस कि ओनली 5 कोल लीडर्स ही रहेंगे क्लैन में, जिसके टॉप 5 डोनेशन रहेंगे क्लैन में, और उसके साथ साथ जिसके वॉर अटैक्स बहुत ही अच्छे रहते हैं उनको मैं कोल लीडर्स बनाऊंगा, और उसके साथ साथ 30 इल्डर्स रहेंगे क्लैन में, यानी आप लोग का जो टॉप 35 डोनेशन रहेगा वो इल्डर बेसिक्स पे रहेगा, यानी आप लोग जितना डोनेट करोगे उतना ही आप लोग इल्डर पोजीशन को ग्रैब करने के करीब रहोगे। सो इसी के साथ साथ गाइज मैं बता दूं कि हम लोग ने पहले अपना वॉर भी कंप्लीट कर रखा है यहाँ पे सुपर इंडिया ने, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया है। मैं अटैक नहीं कर पाया था गाइज, बट हम लोग की टीम ने बहुत ही शानदार यहाँ पे अटैक परफॉर्मेंस किया, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा अटैक परफॉर्मेंस किया है। यहाँ पे अगर हम लोग माई टीम की बातें करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ कुछ प्लेयर्स ने बहुत ही शानदार 3 स्टार 6 स्टार काफ़ी लोगों ने ग्रैब किया। यहाँ पे देख सकते हैं मिस्टर स्टॉक से लेकर के शिवरत तक ने सभी लोगों ने यहाँ पे 3 स्टार ग्रैब किया है, और बहुत ही शानदार ढंग से यहाँ पे इस मैच को विन करने में सभी लोगों ने सहायता किया है। सो पहला मैच था हम लोग का, पहला मैच हम लोग विन किए 30 vs 30 का ये वॉर, और सेकेंड अभी चल रहा है गाइस 50 vs 50 का। तो देखते हैं इस बार क्या सिचुएशन होता है। सो उसके पहले गाइज मैं सभी मेंबर्स को शॉर्ट आउट देना चाहूंगा जो भी इस क्लैन में है। तो मैं गाइज आप लोग को यहाँ पे शो आउट करवाना चाहूंगा कि हम लोग क्लैन में कौन कौन से मेंबर्स हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के सामने, अब सभी के नाम लेना ये थोड़ा इम्पॉसिबल चैलेंजेस है गाइज, बट यहाँ पे मैं 50 प्लेयर्स के यहाँ पे आप लोग स्क्रीन के सामने नेम शो कर दे रहा हूँ जो कि सबसे पहले इस क्लैन में आए हैं और हम लोग के साथ जर्नी स्टार्ट किए हैं। सो क्लैशर्स, ये हैं रियल क्लैशर्स जो हम लोग के साथ न्यू जर्नी न्यू ईरा क्लैश ऑफ क्लैन का स्टार्ट किए हैं। तो मज़ा आएगा इन क्लैशर्स के साथ। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो स्पेस खाली होगा तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं इंडियन क्लैश कम्युनिटी के जो भी इस हाउ टू प्ले क्लैश ऑफ क्लैन के सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं, आप लोग चाहे तो उनके क्लैन में भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर हम लोग का क्लैन फुल होता है तो। सो क्लैशर्स, बहुत सारी बातें यहाँ पे हो चुकी हैं। एंड इसके बाद गाइज यहाँ पे सबसे शानदार चीज आप लोगों को अभी बेसिस में क्या दिख रहा है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन गाइज। यहाँ पे सबसे शानदार चीज मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, ये हेलोवेन ऑब्स्टिकल्स। ये गाइज क्या है, ये एक बहुत ही शानदार रामबाण टाइप का एक तिजोरी है गाइज। इवन जो लोएस्ट टाउन हॉल है टाउन हॉल 3 4 5 लोग के लिए ये बिल्कुल ही
एक तरह से तिजोरी से कम नहीं है, यानी इसका मतलब अगर हम लोग इसे कट करेंगे तो 50,000 का एलिक्सिर फ्री में मिलेगा यार, यानी 2 से 3 रेड का इनकम एक बार में ही हो जाएगा। वाह क्या बात है, यानी हम लोग के बेस पे 3 to 5 यहाँ पे ओके 6 है, यानी इसका मतलब ऑलमोस्ट हम लोग को 6 के हिसाब से 3 लाख की यहाँ पे फ्री एलिक्सिर मिलने वाली है। वाओ अमेजिंग यार। तो चलिए इसे हम लोग एक बार कट करते हैं और कुछ हम लोग अपने तिजोरी को भरते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है यार, 3 लाख की एलिक्सिर फ्री में मिल रही है। अगर इसी का कॉस्ट हम लोग अगर शॉप में जा कर के देखें कि कितना पड़ता है, तो यहाँ पे देख सकते हो यार ऑलमोस्ट 1 लाख एलिक्सिर का आप लोग 125 जेम ले रहे हैं, तो 3 लाख का आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट आप लोग को 500 के आसपास पड़ेगा, यानी 450 के आसपास गाइस। सो वाओ यार वाओ इंटरेस्टिंग यार, इंटरेस्टिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इतनी फ्री एलिक्सिर मिल रही है, ग्रैब करते हैं, यहाँ पे अच्छा खासा स्टोरेज फुल आउट हो गया यार, क्या बात है। तो अब एक आर्मी रेडी करते हैं गाइज। मैं आर्मी अभी मैं जो यूज़ कर रहा हूँ, ये आर्मी मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि इस आर्मी को आप लोग यूज़ कीजिए अगर टाउन हॉल 3 है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट आर्मी में से एक है। बट आप लोग सीसी ट्रूप्स हमेशा लेके जाइएगा गाइज, ओके। यहाँ पे आप लोग को 2 जाइंट लेके जाना है और यहाँ पे ऑलमोस्ट आप लोग को 30 बारबेरियंस लेके जाना है और यहाँ पे रेस्ट आप लोग को ऑलमोस्ट 15 आर्चर्स एंड 4 यहाँ पे वॉल ब्रेकर्स और जितने भी रेस्ट बचे गाइज उनके गॉबलिंस, ओके। ये आर्मी सीक्वेंस आप लोग को यूज़ करनी है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस ला सकते हैं, आप लोग चाहें तो यहाँ पे गॉबलिंस के अमाउंट 10 कर सकते हैं इस जगह, ये काफ़ी शानदार रहेगा। 12 आप लोग आर्चर्स कर सकते हैं इस जगह और उसके बाद गाइज यहाँ पे हम लोग 27 जेम प्रोवाइड करते हैं, ओके। ओहो क्या बात है, 27 जेम हम लोग प्रोवाइड करके एक अटैक जल्दी से परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम लोग सीसी ट्रूप्स के लिए रिक्वेस्ट कर चुके हैं। सो फाइनली यहाँ पे हम लोग को 2 बलून्स मिल चुका है, लेवल 2 का बलून्स मिल चुका है। वाओ समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चलो कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं इस लेवल 2 के बलून्स के साथ एक रेड मारते हैं। और क्या बात है यार, 11,000 की एलिक्सिर मिल रही है, शानदार यार। तो हम लोग चलिए इस एलिक्सिर को ग्रैब आउट करते हैं, छोड़ना नसीब में नहीं है इस एलिक्सिर को, छोड़ना चाहिए भी नहीं। सो यहाँ पे हम लोग लून्स को ड्रॉप डाउन करते हैं, बस ये एक आर्चर टावर टेक ओवर हो जाता है तो ईजिली हम लोग इस बसेस पे 3 स्टार ले आएंगे और 23 कप्स के साथ साथ 11,000 की जो एलिक्सिर है वो हम लोग ग्रैब आउट कर लेंगे, क्या शानदार बातें हैं यार ये चीज़ें। सो यहाँ पे बेसिकली अब मुझे नहीं लग रहा है कि अपने ट्रिप्स को स्पेंड करना चाहिए। अगर आप लोग मेरे जगह रहोगे गाइस तो मैं आप लोग हाईली रिकमेंड करूँगा अगर आप लोग लून्स रिलीज कर देते हो ऐसे सिचुएशन में, जो आपके अब लून्स अब डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, तब आप लोग गाइस शानदार ढंग से वेट कीजिए, आप लोग के लून्स ही पूरी की पूरी बेसिस को टेक ओवर कर लेंगे और 3 स्टार बहुत ही ईजी ढंग से ग्रैब आउट करवा लेंगे। अब इस कंडीशन में गाइस मैं जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए यूज़ करूँगा अपने गॉबलिंस को। रिसोर्स पे ये बहुत ही हेवी डैमेज प्रोवाइड करता है, N2 के रफ्तार से रिसोर्स को टेक ओवर करता है। तो जो 10 गॉबलिंस है गाइज उन्हें रिलीज कर लेते हैं और बाकी के ट्रुप्स को हम लोग होल्ड करेंगे, नेक्स्ट अटैक के लिए लेके जाएंगे। सो 48% तक का बहुत ही शानदार डिस्ट्रक्शन हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप लोग गॉबलिंस को देखिएगा तो बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से इस गॉबलिंस सारे के सारे जितने भी रिसोर्स वाले बिल्डिंग्स हैं उन्हें टेक ओवर कर रहे हैं। और टाउन हॉल गाइज रिसोर्स के अंदर आता है क्योंकि रिसोर्स आपके टाउन हॉल में भी स्टोर होता है। सो क्या बात है, शानदार गॉबलिंस, शानदार, बहुत ही प्रॉपरली वर्कआउट कर रही है ये गॉबलिंस। यहाँ पे 86% के साथ साथ यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, हम लोग ऑलमोस्ट 100% यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं इस बेसिस पे एंड शानदार रहा है यार। एंड इसी के साथ चलिए अब हम लोग फाइनली एंट्री करते हैं क्लैश ऑफ क्लैन के एक न्यू ईरा में और वो है टाउन हॉल 4 का। वाह क्या बात है, 80,000 का यहाँ पे गोल्ड एलिक्सिर और मिल गया है, अमेजिंग यार, स्पेक्टिकुलर्स। सो यहाँ पे हम लोग अपग्रेड करते हैं ई टावर के लिए, यहाँ पे अपग्रेड पे लगा चुके हैं क्लैशेस। अब फाइनली ई टावर के अंदर हम लोग का टाउन हॉल 4 हो जाएगा और जो दूसरी हम लोग के पास जो बिल्डर्स बाकी है उनसे गाइज मैं अभी वोज को मैक्स आउट करूँगा। अभी मैं यहाँ से जितने भी गोल्ड से उन्हें कलेक्ट आउट कर लेता हूँ और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अभी जो आप लोग अपग्रेड पर लगा दिए ए टावर में जितने भी आप लोग का एलिक्सिर कलेक्टर सब हैं गाइस उन्हें आप लोग मैक्स आउट कर लीजिए, ओके। और एक यहाँ पे ब्रैकर्स भी कम लेवल का हम लोग का और बाकी सभी चीज़ मैक्स आउट है, तो इसे आप लोग जल्दी से अपग्रेड कर लीजिए। एंड यहाँ पर हम लोग जल्दी जल्दी से अपग्रेड कर लेते हैं जितनी भी चीज़ें हम लोग के पास अभी बची हुई हैं। वाह क्या बात है, वाह ख़त्म, यहाँ पर लेवल 3 तक हम लोग वॉस अपग्रेड कर पाए, लेवल 4 तक तो नहीं जाएगा।
सो अभी और फार्मिंग करते हैं और लगभग सारी वॉल्स को हम लोग यहाँ पे अपग्रेड कर ही लेंगे क्लैशर्स, और नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग अपने ब्रैकर्स को जल्दी से लेवल 5 तक, ओके 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 लेवल 5 तक ही इंक्रीज़ करना है, तो जल्दी से लेवल 5 तक इंक्रीज़ कर लेते हैं। 8 आवर के अंदर हम लोग मैक्स टाउन हॉल 3 हो जाएंगे, और इसके साथ साथ नेक्स्ट एपिसोड हम लोग का टाउन हॉल 4 से आना स्टार्ट हो जाएगा। टाउन हॉल 400% मैक्स करना है, याद रहे, और आप लोग उसके आगे मत बढ़िएगा। हम लोग एक टूर्नामेंट करने वाले टाउन हॉल 4 में, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो गाइस, कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरह के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, क्लैश ऑन।